साहस सरोकार। गोंडा में किसान प्रतिनिधि सम्मेलन का हुआ आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष रहे मौजूद। हरदोई में समाधान दिवस का आयोजन, डीएम और एसपी ने सुनी फरियादियों की शिकायतें। कुशीनगर में धूमधाम से रुद्रव्रत पीड़िता त्योहार मनाया गया, लड़कियों ने भाई की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत। आजमगढ़ में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जाधारियों में मचा हड़कंप। गोंडा में डीएम ने विभागीय जांच के दिए निर्देश, सड़क निर्माण में गुणवत्ता संतोषजनक मिली। आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में महानगर के पास माउंट कार्मल कॉलेज में पांचवा एल्यूमिनी मीट धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के पूर्व छात्र और छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को छात्र ने मनमोह लिया। आपको बता दें कि व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष एल्यूमिनाई मीट का आयोजन किया जाता है। भारतीय संविधान दिवस पर एसपी राजेश द्विवेदी ने पुलिसकर्मियों को संविधान की प्रस्तावना और सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई, जिसमें उन्होंने सभी से कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा। पुलिस कार्यालय में एसपी राजेश द्विवेदी ने और जनपद के सभी थानों में थानाध्यक्षों ने कार्यक्रम आयोजित कर शपथ दिलाई। पुलिस कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, इसी को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में पुलिस कार्यालय में एसपी, एसएसपी और सीओ सहित सभी पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई गई। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब
जीवन में हरे पेड़ों का बहुत ही महत्व है। पेड़ों से ही शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिलती है। सरकार भी कई तरह की योजनाएं चलाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हरे पेड़ों की कटान लगातार जारी है। सरकार के द्वारा हजारों पेड़ लगवाए जाते हैं, लेकिन चंद रुपयों की खातिर लोग हरे पेड़ काटने से बाज नहीं आते। अलीगढ़ में तहसील अतरौली गाँव चौमुहा के पास खेत में हरे आम के पेड़ों का अवैध कटान किया जा रहा था। जब इस बात की सूचना वन विभाग अधिकारियों को हुई तो वन विभाग अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वन विभाग के अधिकारियों को देखकर अवैध रूप से आम के पेड़ों को काटने वाले वहां से 9-2-11 हो गए। अलीगढ़ में तेज गति से आ रही कार ने मैरिज होम के बाहर खड़े घराती और बारातियों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं आधा दर्जन से अधिक बाराती घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में सभी घायलों को पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। मृतक बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की जाँच पड़ताल में जुटी है। ये कल हम शादी में आए थे सम्राट लॉज में, हमारे भाई की बारात आई हुई थी, तो वहाँ से हम रात को रुक सर हम जा रहे थे, अपने जाने की तैयारी कर रहे थे, तो इतने में एक गाड़ी आई इको, उसने आन के आंधी तूंधी की तरह से वो गाड़ी आई थी और उसने आन के धुआं उड़ा दिया सबको। करीब कितने लोग थे? करीब करीब 15 लोग थे उसमें, जख्मी जो ज़्यादा जख्मी है वो करीब 6 लोग हैं, 7 लोग, और जो हल्के फुल्के जख्मी है वो 15 लोग हैं कम से कम। मौके पे ही होगी थी? हाँ, मौके पे शायद मौत हो गई, लेकिन मेडिकल तक हम ले गए तो मुझे वो खत्म हो गया बच्चा। अलीगढ़ में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया तथा टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारियां अपना पाँव पसार रही हैं, जिसको लेकर सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी ने स्वास्थ्य केंद्र के साथ पीएससी केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहाँ गांव जिरौली हीरा सिंह के मुख्य मार्ग पर जल भराव के कारण सीएमओ का काफिला गंदे पानी से गुजरकर गांव में पहुंचा, जहाँ समय से टीका ना लगने के साथ अन्य कई खामियां मिली। मलेरिया के लिए वही है कि जो भी हमारे जैसे छाया VHSND के माध्यम से हम बुखार वाले रोगियों की ब्लड स्लाइड बना रहे हैं, जिसमें भी मलेरिया होने की पुष्टि होती है उसमें हमारी आशा के द्वारा उसको औषधि दी जाती है देख रेख में। अच्छा, गांव देहातों में आजकल डेंगू ज़्यादा फैला हुआ है, जल भराव की समस्या है, अभी आप रास्ते में आए होंगे आपको भी जल भराव मिला। देखिए, वो जो जिस तरह का जल भराव है उसमें डेंगू वाला मच्छर नहीं पनपता है, डेंगू वाले मच्छर को पनपने के लिए साफ पानी की जरूरत पड़ती है, तो मेरा अनुरोध सभी क्षेत्रवासियों से यही रहेगा कि आपके आसपास कहीं साफ जल का भराव है, जैसे ये देख रहे हैं आप नल के पास पानी है, हो सकता है आपके कोई पुराने बर्तन हो, आपका फ्रिज है उसके पीछे आपका उसका बास्केट हो, कूलर में हो सकता है आप प्रयोग ना कर रहे हो पानी भरा हो, ऐसी जगहों को नष्ट करें तो डेंगू वाले मच्छर को पनपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें, आपको कोई भी लक्षण होता है तो नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पहुँच कर अपनी जाँच कराएँ और उचित उपचार लें। संभल में संविधान दिवस के अवसर पर जनक्रांति एकता मंच सामाजिक संस्था के द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य हेतु उपजिलाधिकारी संदीप कुमार वर्मा सम्मानित किए गए। आपको बता दें कि कार्यक्रम का संचालन मुरादाबाद उजाला समाचार के राष्ट्रीय प्रभारी उत्तम दीक्षित ने किया। जनक्रांति एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने सभी पत्रकारों को सम्मान पत्र देकर मल्यार्पण कर सम्मानित किया और एकजुट रहने की बात कही। उन्होंने कहा, यदि सभी पत्रकार संगठित रहेंगे तो उनका शोषण नहीं हो पाएगा, आपसी फूट के कारण पत्रकारों का शोषण हो रहा है, जो बहुत ही दुख का विषय है। मनीष यादव ने भारतीय संविधान को लेकर लोगों को विशेषताएं बतलाई। जनक्रांति एकता मंच के माध्यम से गुन्नौर में आज एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी एवं जो पत्रकार साथी हैं जो समाज हित एवं राष्ट्र हित के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं, संविधान दिवस के अवसर पर आज उन्हें सम्मानित किया गया है। और मेरा मानना है कि जो
समाज हित एवं राष्ट्रहित के लिए अवैतनिक तरीके से कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, समाज के लिए इनका सम्मान करना चाहिए। जन क्रांति एकता मंच के सौजन्य से आज संविधान दिवस मनाया गया है और ये एक बहुत अच्छी पहल है हम सब के लिए, क्योंकि संविधान के बिना देश ही अधूरा है, सारे कार्य अधूरे हैं, सारे कार्यों से ही जुड़ा हुआ है संविधान। संविधान से ही है। दूसरी चीज़, आज हमने अपने सभी पत्रकार भाइयों को एक मंच पर लाने की कोशिश की है, क्योंकि आपसी फूट का फायदा और लोग उठाते हैं और हमारे जब पत्रकार एकजुट रहेंगे तो उनका शोषण किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा। गाजियाबाद में विजयनगर औद्योगिक क्षेत्र की मेटल फैक्ट्री में हुई डकैती को पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 5 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे लूटा गया तांबे का तार और लेड बरामद कर लिया गया है। वहीं जिन कबाड़ियों को डकैती का माल बेचा गया था उनकी गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। सूचना मिली थी इन लोग कुछ माल लेके बेचने के लिए जा रहा है, उसका आधार पर पुलिस ने पूरा टीम को घेरा के उन लोगों को घेरा करके हम लोगों ने आज 5 लोगों की गिरफ्तारी किया। गाड़ी मालिक और गाड़ी चालक और उसके साथ घटना करने वाले लोग का पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके साथ पुलिस ने लगभग 10 से 15 लाख का माल रिकवरी कर दिया। बाकी माल अभी भी बची, उसका और कुछ अपराधी चेस उनके पकड़ने के लिए हमने टीम गठित किया है। आजमगढ़ में सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने पर अतिक्रमणकारियों पर सीएम योगी का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत शहरी क्षेत्र में बुलडोजर को चलाया गया। जिन जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर रखा था या पटरी पर कब्जा जमाए बैठे थे उन्हें बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया गया। इस कार्रवाई के चलते जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। घाटा संख्या 47 हमारे बंजर खाते में दर्ज है, जिसपे बहराइच के रहने वाले एक फरीद खान नाम के व्यक्ति द्वारा कब्जा करके बाउंड्री बनाए गए थे और उनको उनके खिलाफ बेदखली हुई, उनको बेदखल कर दिया गया। उसके बाद क्या कहते हैं भी उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा, इस कारण से आज बलपूर्वक इसको उनकी बाउंड्री ध्वस्त कराते हुए कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। गोंडा में धानीपुर में नगर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए भाजपा किसान मोर्चा के बैनर तले किसान प्रतिनिधियों का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप और विशिष्ट अतिथि विद्याभूषण द्विवेदी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नगर किशोर कश्यप ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार के विकास के लिए नई तकनीकी के माध्यम से दिशा और दशा बदलकर कृषि प्रधान देश को प्रथम पायदान पर लाना चाहती है। वहीं इस कार्यक्रम में मंडल महामंत्री मंडल अध्यक्ष के साथ तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज यहां धानीपुर नगर पंचायत के अंतर्गत किसान प्रतिनिधि का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वार्ड संयोजक, वार्ड मंत्री, मतदाता प्रमुख और वार्ड प्रभारी उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी थे, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विद्याभूषण द्विवेदी जी थे। गोंडा में मस्कनवा के लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के द्वारा रेलवे क्रॉसिंग से भवाजीतपुर में कार्य न कराए जाने की शिकायत की गई थी। इस पर डीएम डॉक्टर उज्जवल ने विभागीय जांच के निर्देश दिए। आपको बता दें कि लोक निर्माण के सहायक अभियंता प्रिंस मल और अवर अभियंता दिनेश कुमार मल ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मौजूदगी में जांच की तो 2 सेंटीमीटर पीसी की जगह 3 सेंटीमीटर से ऊपर पाया गया है, तो ये सील कोड भी सही पाया गया है। ग्रामीणों के सामने गेती से खोदकर मानक भी दिखवाया गया। सभी ग्रामीणों ने हो रहे कार्य के प्रति संतोष जताया है, इससे राहगीर को बहुत राहत मिलेगी। हमारे गांव में रोड बन रहा था जो मानक के हिसाब से सही है, लेकिन ये 2-3 सेंटीमीटर साइड साइड में ज़्यादा है जिसको काटा ना जाए, क्योंकि काटने की वजह से रोड टूट सकता है। रोड सही है और ये मानक हिसाब से सही है रोड, और उसके बाद काटा ना जाए। खबर हरदोई से है, जहां
हरदोई में कोर्ट के आदेश का पालन कराने में पुलिस प्रशासन बेबस नजर आ रही है और समाज सेवी का आरोप है कि भूमाफियाओं ने महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा निर्मित आर्य समाज मंदिर का अपमान किया है, जिसमें ताला डालकर पीएससी लगाई गई और सभी आर्य समाज की संस्थाओं व संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करके करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया, जिसे पुलिस प्रशासन की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। आरोप तो पूर्व से ही है और ये मामले पिछले 23 वर्षों से और 6 सालों से चल रहे थे, जिनको लेके माननीय जिला सत्र न्यायालय जनपद न्यायाधीश जनपद हरदोई ने आदेश किया है। एक मामला है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की रिहाई, जो 23 जनवरी 2000 को जिनको कस्टडी में 107/16 का चालान करके सीआरपीसी में सदर मालखानी बंद किया गया, जिनके पार्क पर आबिद पेट्रोल पंप पर कब्जा किया हुआ है, जिसके ऊपर तहसील नगर पालिका ने रिपोर्ट लगाई है कि हमने अवैध रूप से जो है उसको हटवा दिया, लेकिन प्रशासन ने माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन अभी तक नहीं कराया है। खबर हरदोई से है, जहां के कोतवाली कछोना व संडीला में शनिवार को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में संपूर्ण थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें डीएम और एसपी ने फरियादियों की शिकायतें सुनी और समस्याओं का समाधान करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। बता दें, इस दौरान कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुई। कुशीनगर में लड़कियों का प्रसिद्ध मेला पीड़िया रुद्रव्रत के नाम से जाना जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसमें लड़कियां अपने भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं और परिवार में सुख समृद्धि आए। आपको बता दें कि ग्राम सभा चेकदेया में एक विशाल मेले का आयोजन किया गया है। लगभग 40 से 45 वर्ष पूर्व से ये मेला लगता चला आ रहा है, जिसका कुशल नेतृत्व युवा ग्राम प्रधान ने किया। इनके द्वारा मेले में बच्चों के लिए झूला और मनोरंजन खेलकूद संबंधी अनेकों उपकरण लगाए गए। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज नगर पंचायत स्थित अमरगढ़ शहीद स्थल पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के याद में 3 दिवसीय अमरगढ़ महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसकी शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ की गई। कार्यक्रम में सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी और पूर्व विधायक और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर झंडारोहण किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी धर्म के गुरुओं ने अपने अपने रीति रिवाज से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए प्रार्थना की। अमरगढ़ महोत्सव जो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह जी ने शुरू किया है, निश्चित रूप से यहाँ का इतिहास पढ़ने के बाद हम सबको गर्व होता है कि हमारे पूर्वजों ने, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। महीनों यहाँ पर संघर्ष हुआ, हमारे इस क्षेत्र के सैकड़ों नौजवान, बुजुर्ग, किसान, हर जाति, हर धर्म के लोग देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। उनकी याद में यहाँ पर अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन राघवेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। संभल में सतर कोतावली क्षेत्र के मोहल्ला चौधरी सराय निवासी ने एक युवती को शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पिछले 4 साल से युवक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा और अब शादी से इनकार कर रहा है और साथ ही युवती को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है, जिसके बाद युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल नगर पालिका की 3,70,00,000 की योजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे, वहां पत्रकारों से बातचीत की। नितिन अग्रवाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार जनहित के लिए काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी देश में हंसी का पात्र बनकर रह गए हैं। देखिए, आज
करीब 3,70,00,000 रुपए की, जिसमें 15वें वित्त के की कार्य योजना के काम थे और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो काम हरदोई शहर में नगर पालिका द्वारा कराए गए हैं, आज उन कार्यों के उद्घाटन के मौके पे आपके बीच में हूँ और मुझे मैं बधाई दूंगा सभी लोगों को कि शहर में लगातार जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रदेश में मंशा है कि लगातार विकास के कार्यों में तेजी आए और विकास के कार्य तेजी से बढ़े, उसी तरह मैं भी हरदोई में हमेशा प्रयासरत रहता हूँ कि चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे देहात का क्षेत्र हो, लगातार सरकार की योजनाएं लगती रहें, आती रहें और विकास के कार्यों में खूब और गति मिलती रहे। आज उसी कड़ी में 3,70,00,000 रुपए की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ है। लखीमपुर खीरी के बेहजम कस्बे में अवैध रूप से संचालित प्राइवेट क्लिनिक धड़ल्ले से चल रहा है, जिसमें महिलाओं का गर्भपात कराया जा रहा है। दरअसल आसमा देवी निवासी धवरपुर दवा लेने साकेत सेवा चिकित्सालय पर आई थी, वहां पर धोखे से बेहोशी की दवा देकर महिला का गर्भपात करा दिया गया और घर भेज दिया गया। घर पर जब पीड़िता की हालत बिगड़ी तो परिजनों ने पुनः साकेत क्लिनिक पीड़िता को लेकर पहुंचे। महिला ने इस मामले में थाने पर पहुंचकर केस दर्ज करा दिया है। आरोपी चिकित्सालय और डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है। हमारा 3 महीने का बच्चा था, हम सूचना मिली थी साकेत वहाँ, तो हम दिखाने के लिए गए, थोड़ी ब्लीडिंग मालूम हो रही थी। उसके बाद में वहाँ पे हमने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, थोड़ी ब्लीडिंग मालूम हो रही है, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, 2500 रुपया पड़िए। तो हम कह रहे 2500 रुपया पर नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाए बच्चा, तो कहीं ठीक हो जाए बच्चा। हम मानते हैं सर हम पढ़े लिखे नहीं, लेकिन इंग्लिश में आप जो कुछ कहे हो ठीक हो सकता है। सफाई के बारे में आप हमसे बात कर रहे हो लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आई। सफाई के बारे में बताए थे लेकिन हम खुद पूछे। फिर क्या हुआ कि हम जब बताए कि बच्चा सर सही रहेगा, तो आपने कहा कि बच्चा सही रहेगा, तो हमें तो सर यही विश्वास हुआ कि आपने बच्चे की दवाई करी और हमने सर उन्हें पैसे दे दिया, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने सफाई कर दी बच्चे। संभल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद के सभी ब्लॉकों में 677 जोड़ों की शादी करवाई गई। हिंदू रीति रिवाज से 615 जोड़ों की शादी की गई और दूसरी तरफ 62 मुस्लिम जोड़ों की मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कराई गई। आपको बता दें कि डीएम मनीष बंसल ने बताया सभी जोड़ों को सरकार की योजना के तहत आवश्यक उपहार भेंट किए गए, सभी जोड़ों को शुभकामनाएं भी दी गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटियों को शासन अनुसार शादियां कराई गई। देखिए, शासन के निर्देशों के क्रम में आज 26 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें पूरे जनपद में 677 जोड़ों के आवेदन हमें प्राप्त हुए, जिनको जांच उपरांत आज 9 स्थलों पर, अलग अलग स्थलों पर इनकी शादियां संपन्न करवाई गई हैं। इसमें शासन की तरफ से प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपये की धनराशि विभिन्न माध्यमों से दी जाती है, जिसमें 35,000 रुपये सीधा जोड़े के खाते में जाता है, जो महिला जो होती है, वधू होती है, उसके खाते में दिया जाता है। उसके अलावा 10,000 रुपये की हम लोग विभिन्न प्रकार की जो आवश्यक सामग्रियां हैं, वर वधु के कपड़े हैं, उनके लिए अन्य कुछ गिफ्ट आइटम्स हैं, वो दी जाती हैं, और 6,000 रुपये जो है वो व्यवस्था करने के लिए, पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, उसमें उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए किए जाते हैं। ये आज 9 जगहों पर इसको किया जा रहा है, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर इसका आयोजन किया गया है। जनपद संभल में शासन के निर्देश के क्रम में 26 नवंबर 2022 को सामूहिक शादी कराने के लिए तिथि का निर्धारण कराया गया था, जिसमें आज 649 सामूहिक विवाह कराए गए हैं, जिसमें 421 अनुसूचित जाति वर्ग के, 141 पिछड़ा वर्ग के, अल्पसंख्यक समुदाय के 56 और सामान्य वर्ग के 31 वैवाहिक जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। खबर कुशीनगर के कशिया थाना क्षेत्र का है, जहां बिजली के जर्जर तार टूटकर गिरने से चलते खेत में काम करने गए 2 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया है। बता दें कि घटना की जानकारी होने पर कुशीनगर विधायक पीएन पाठक मौके पर पहुंचे और परिवार जनों को सांत्वना दी। घटना के बाद पहुंचे बिजली विभाग के XCN ने दोनों मृतकों के आश्रितों को 5,500,000 रुपए का मुआवजा दिलाने का विश्वास भी दिलाया।
लखनऊ में संविधान दिवस पर राम मनोहर लोहिया में व्याख्यानशाला आयोजित हुई। आपको बता दें कि संविधान दिवस पर प्रतिष्ठित अस्पताल राम मनोहर लोहिया में राजभवन के द्वारा निर्देशित भारत लोकतंत्र की जननी व्याख्यानशाला कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और व्याख्यानकर्ता के रूप में बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, डॉक्टर पवन बादल उपस्थित रहे। इस मौके पर लोहिया अस्पताल की निदेशक सोनिया नित्यानंद, CMS डॉक्टर भटनागर और मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर AP जैन मौजूद रहे। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, ये कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ रहा है कार्यक्रम? देखिए, आज भारत का संविधान आत्मार्पित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और 2015 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म शताब्दी के अवसर से भारत सरकार ने निर्णय किया कि हम हर 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। भारत का संविधान दिवस की श्रृंखला में आज UGC के निर्देश पर और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की गवर्नर महोदया आनंदीबेन पटेल जी के आदेश के अनुक्रम में आज अलग अलग संस्थानों में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये भारत के हर नागरिक के लिए आवश्यक है कि वो भारत के संविधान को समझे, भारत के संविधान में दिए गए अधिकार, उनके कर्तव्य, उनके दायित्वों को समझे। भारत के संविधान को याद करने के लिए ये भारत का संविधान दिवस आज मनाने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, जो बहुत एक प्रतिष्ठित संस्थान है भारत का, आज वहाँ ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें भारत के संविधान और भारत के संविधान में जो मूल तत्व भारत के प्राचीन भारत से आए हैं, जो भारत के वेदों से आए हैं, भारत के रीति रिवाज परंपराओं से आए हैं, उन सारी बातों को लेकर के आज एक व्याख्यान यहाँ हुआ है, उसको लेकर चर्चा हुई है। सर, आप भारत के लोगों के अधिकारों की बात करते हैं जिसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये आरोप लगाते हैं संघ पर और भाजपा के कि वो आदिवासियों के अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, इस पर क्या कहना? देखिए, मुझे लगता है पहली बात तो ये समझना चाहिए कि भारत को जोड़ने की आवश्यकता नहीं, भारत जुड़ा हुआ है और भारत जुड़ा हुआ है एंशियंट इंडिया के समय से, भारत की प्राचीनता के साथ जुड़ा हुआ है। अगर उनके अंदर ये जो औपनिवेशिक मानसिकता के तहत आया ना कि भारत को अंग्रेजों ने जोड़ा, भारत को मुगलों ने जोड़ा, इसी तहत वो भारत जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। ये भारत जोड़ने नहीं, उन्हें भारत समझने की यात्रा करनी चाहिए कि वो भारत को समझें। भारत समझेंगे तो मुझे लगता है भारत जोड़ो शब्द अपने आप उनको निरर्थक लगेगा। जी, मैनपुरी में इस समय उपचुनाव है जहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी जो है जोरों शोरों से लगी हुई है, समाजवादी पार्टी भी वहाँ से जोरों शोरों से लगी हुई है। नेताजी के जाने के बाद ये पहला वहाँ पर चुनाव है, तो किस तरह से इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी देखती है? आजमगढ़ में जैसे जीते हैं हम, गोला जैसे जीते हैं हम, जरामपुर जैसे जीते हैं हम, मैनपुरी भी वैसे ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के आज जो दिए गए विजन से, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लागू किए गए कार्यक्रमों और उपलब्धियों से हमें पूरा भरोसा है कि मैनपुरी की जनता भी कमल का फूल खिलाएगी। लेकिन सपा के जो नेता हैं राजेंद्र चौधरी जी, वो ECI के ऑफिस पहुंच गए हैं कि मैनपुरी में जो उनके कार्यकर्ता को काम नहीं किया जा रहा है, थानेदार और पुलिसकर्मी जो है उनको काम करने से रोक रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के ये सारे आरोप अपने आप में स्थापित कर रहे हैं कि वो हताश हैं, वो परेशान हो रहे हैं, और इसीलिए पेशबंदी एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो पेशबंदी कर रहे हैं अपनी इस संभावित हार को देखते हुए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी, जो आज संविधान दिवस के दिन, आज 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया जाता है, लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था आज के संविधान दिवस के दिन वो इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे और हमसे कुल पे बातचीत भी की। कैमरामैन विजय के साथ मैं विवेक शाही, Prime TV लखनऊ। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं।